इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने एक हत्या करना भी स्वीकार किया है। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के रहने वाले आकाश त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि देर रात जब वह घर लौट रहा था उसी दौरान बाइक से आए तीन युवकों ने चाकू मारकर मोबाइल लूट लिया, वह फरार हो गए। वहीं फरियादी की सूचना पर पुलिस ने आसपास तलाशी की व बाइक नंबर के आधार पर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। वहीं से पूछताछ करने पर आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व देर रात एक बुजुर्ग की हत्या करना भी स्वीकार किया। वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक व चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो है रात में एक थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें फरियादी हैं आकाश पिता दशरथ त्यागी, जो कि साउथ तपोवन से नंदा नगर की ओर जा रहे थे और रास्ते में जो है अचानक से एक मोटरसाइकिल आती है, उसमें तीन जो सवार लोग रहते हैं उनके द्वारा चाकू लगा के जो है इनके साथ में लूटपाट की घटना हुई थी। उनका मोबाइल जो है छीन लिया जाता है। इसमें जो है तत्काल जो है इसकी घेराबंदी करके इन तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है और इनके कब्जे से मोबाइल भी बरामद हो गया है। ये जो तीन आरोपी हैं इन तीनों के नाम जो है अश्विन पिता राम खिलावन, अनिकेत और छोटू और आकाश पिता विजय राव हैं और ये जो है इनके ऊपर जो है अन्य थानों में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और इसके अलावा अन्य थानों से भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है। एक अन्य जो है पूछताछ के दौरान एक अन्य घटनाक्रम का भी खुलासा हुआ है जिसमें थाना जो है परदेसीपुरा में ही अपराध क्रमांक 803/19 302/343 का एक मामला कायम हुआ था जिसमें एक मृतक जो है दिलीप परिता करके जो कुलकर्णी भट्टा का रहने वाला था, वो तो मूलतः मुखली बेचने का काम करता था, उसका किसी ने इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी के तहत उसमें हत्या कारित कर दी गई थी। तो पूछताछ के दौरान इन्होंने इसकी हत्या का भी जो है करना स्वीकार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे और पूछताछ की जा रही है।